हेलो उदयपुरा पुलिस कंट्रोल रूम। सर मेरा नाम गौरव शर्मा है। यहाँ रिहाली रोड पर सीमेंट फैक्ट्री के पास एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा है। नाम सर महेश गोयल। महेश गोयल है सर। ठीक है, हम जल्द से जल्द पुलिस टीम और एम्बुलेंस भेज रहे हैं। यहाँ पे महेश गोयल नाम का आदमी जख्मी हुआ था, कहाँ है वो? सर अभी अभी 10-15 मिनट पहले एक एम्बुलेंस आई थी, उसी में डालकर ले गए साहब। भैया कुछ नहीं होगा आपको, गाड़ी आ गई, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं, कुछ नहीं होगा, आराम से भैया, कुछ नहीं होगा आपको, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, गाड़ी में रखो, आराम से रखो। चौधरी पूरा एरिया स्कैन करो, फॉरेंसिक टीम और फोटोग्राफर्स को भी बुलवाओ। सब कहाँ ले गए? सर्वकृपा अस्पताल में। कौन आया था उसे लेने? घायल का आप भाई होगा शायद। सर महेश गोयल का ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर से बात नहीं हो पाई। ये महेश गोयल नाम कुछ सुना सुना लगता है, क्या ये वही महेश गोयल है जो लोक जागरण पार्टी का कैंपेन करता है? वही है सर, मैंने लोक जागरण पार्टी का स्टिकर भी देखा उसकी बाइक पर। अभी कुछ ही दिनों में स्थानीय चुनाव होने वाले हैं। लोक जागरण पार्टी का जो उम्मीदवार है विक्रम चौबे, उसके प्रचार का सारा काम यही महेश गोयल देखता है। चुनाव के वक्त में ये चाकू चोरी चलना कोई हैरत की बात नहीं है, मुझे तो अभी से इस केस में राजनीति का रंग नजर आ रहा है। जब ये वारदात हुई उसके कुछ ही दिनों बाद उदयपुरा में काउंसलर पद के लिए स्थानीय चुनाव होने वाले थे। घायल होने वाला शख्स महेश गोयल एक पार्टी के उम्मीदवार की कैंपेन को लीड कर रहा था। अब एक बात तो तय थी कि इस घटना से क्षेत्र का राजनीतिक माहौल गर्माने वाला था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस केस से ना सिर्फ राजनीति बल्कि कई लोगों की जिंदगी में भी तूफान आने वाला था। कई गड़े मुर्दे, कई गुप्त राज जो सालों से दफन थे अब सबके सामने आने वाले थे। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भैया बहुत सीरियस है। आपको इस हादसे के बारे में कैसे पता चला? सर वो मैंने बताया था। आप कौन? गौरव शर्मा। सर जब पुलिस कंट्रोल रूम में मैंने फोन किया तो महेश जी होश में थे। भाई हिम्मत रखो, मेरे भाई को बुला दो, फोन में उसका नंबर है, उसका नाम कमलेश है। सर वो मैंने कमलेश जी को फोन किया तो वो एम्बुलेंस लेकर आ गए। जब महेश जी होश में थे तो उन्होंने बताया कि उन पर हमला किसने किया? हाँ सर। भैया सब किसने किया? दो लोग थे, मैं घर लौट रहा था, अचानक सामने आ गए। आप जानते हैं वो लोग कौन थे? नहीं, पर चंदू ने भेजा था। चंदू ने? कौन है ये चंदू? चंदू यानी चंदन गुप्ता, कस्तूरी गुप्ता का पति। वो कस्तूरी गुप्ता जो इंडियन प्रजातांत्रिक पार्टी की उम्मीदवार है और इस बार हमारे सामने चुनाव में खड़ी। विक्रम चौबे जी आपको ये लगता है कि ये हमला पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से हुआ? बिल्कुल लगता है। महेश जी जोरों शोरों से हमारी पार्टी के चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और हमें लोगों का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा था।
जिसकी वजह से ये चंदन और कस्तूरी घबरा गए। यार चिंता मत कर, भैया ठीक हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। हम ये राजनीतिक दुश्मनी वाला एंगल जरूर टटोलेंगे। अब तक ये बताइए कि महेश जी की किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा? भैया के किसी से कोई दुश्मनी नहीं, वो तो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति, उनकी कपड़ों की दुकान है और स्कूल में बच्चों की यूनिफॉर्म सप्लाई करते हैं। पर 10 साल से सर वो लोग जागरण पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। जी हाँ, हमारी पार्टी को आगे लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान। उन्हें यकीन था कि हमारी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, इसीलिए चंदन ने और कस्तूरी ने उन पर हमला करा दिया ताकि हमारे कार्यकर्ता घबरा जाएं। भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए खून बहुत बह चुका है, अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी। डॉक्टर हम उनसे मिल सकते हैं? फिलहाल तो वो बेहोश है और एक ऑपरेशन भी बाकी है, वक्त तो लगेगा। इंस्पेक्टर, अगर आपने चंदन गुप्ता को गिरफ्तार नहीं किया तो हमारे कार्यकर्ता चुप नहीं बैठने वाले, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। विक्रम जी हम एक्शन लेंगे और बहुत जल्द मुजरिम हमारी पकड़ में होंगे, लेकिन अपने तरीके से, छानबीन करके। तब तक आपसे एक विनती है कि शांति बनाए रखिए और अपने कार्यकर्ताओं से भी यही कहिए। अरे विक्रम चौबे पागल हो गया चुनाव के टेंशन में। चंदन भैया वो टेंशन ले नहीं रहा है, दे रहा है। उसके हाथ मौका लग गया है आपको बदनाम करने का और वो वही कर रहा है। कहीं ये हमारी पार्टी में से तो किसी ने नहीं करवाया ना? सवाल ही नहीं होता, अगर किसी ने किया होता तो मुझे जरूर पता चलता। विक्रम को तो बैठे बैठे मुद्दा मिल गया हम पर निशाना उठाने का। बैठे बैठे दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, मुझे तो लगता है ये सब कुछ विक्रम का ही किया धरा है। लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए उसी ने ये नाटक किया। पर अब हम क्या करेंगे? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं, मैं सब संभाल लूं। एक तरफ जहां एक आदमी ऑपरेशन थिएटर में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका था। एक पार्टी इल्जाम लगा रही थी तो दूसरी पार्टी उन इल्जामों को बेबुनियाद बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस केस का एक तीसरा पहलू भी था जहां इस वक्त फिक्र और दहशत का माहौल बना हुआ था। मुझे खुद नहीं पता कि गड़बड़ कैसे हो गई। हाँ मुझे पता है कि महेश काफी सीरियस है, अब क्या कर सकते हैं? हाँ मामला तो गरमाएगा ही। देखिए चुनावी माहौल काफी गर्म है, विक्रम चौबे हमारी पत्नी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। अब विक्रम के घर में अगर किसी को जुकाम भी हो जाए तो उसका इल्जाम वो हम पर ही देगा। चुनाव जीतने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते। महेश गोयल विक्रम चौबे के घर का सदस्य नहीं है, उसकी पार्टी का वर्कर है। और आपको बता दूं उसे जुकाम नहीं हुआ है, उस पर हमला हुआ है, वो भी जानलेवा। और आप हम पर शक कर रहे हैं? वैसे हमने महेश गोयल से जुड़े सभी लोगों की डिटेल्स निकलवाई, उसकी किसी से दुश्मनी हो ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। सिर्फ एक ही कनेक्शन बन रहा है कि वो आपके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहा है। और जैसा कि आपने कहा है कि चुनाव जीतने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। सारी हदें तो विक्रम चौबे ने पार कर दी इंस्पेक्टर, बाहर जाकर देखिए वो किस तरह से इस मुद्दे का इस्तेमाल करके लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहा है। उनके कार्यकर्ता पूरी कोशिश कर रहे हैं हंगामा खड़ा करने की, ये तो हमने अपने वर्करों को रोक रखा है, वरना हमारी पार्टी की जड़ें भी बहुत गहरी हैं। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, बाद में हमसे मत कहिएगा कि हमने आपको आगाह नहीं किया। चेतावनी के लिए शुक्रिया, वैसे ऐसे मामलों से निपटना हम जानते हैं। आप अपनी राजनीति कीजिए, हम अपना काम करें। आप गलत दरवाजे पे दस्तक दे, उन्हीं के पार्टी के किसी अंदर के आदमी का काम। कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि एक तीर से दो शिकार। मेजर अटैक, हम लोग महेश जी को नहीं बचा पाए। महेश गोयल अमर रहे।
जी सर, जी सर। सर दूसरा यूनिट किसी भी वक्त वहां पहुंचता होगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं क्राउड पर काबू पाने की। एक घंटे के अंदर सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी सर। चेंज सर। सर क्राउड कंट्रोल से बाहर जा रहा है, अगर फोर्स यूज करने की परमिशन दे दें तो? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी एसपी साहब से बात हो गई है, वो लोक जागरण पार्टी के एमएलए प्रदीप प्रजापति से बात करेंगे कि वो अपने कार्यकर्ताओं को शांत रहने की अपील करें। तुम एक काम करो, ये एफआईआर चेंज करो, ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस अब मर्डर केस बन चुका है। एसपी साहब मैं समझ सकता हूँ, लेकिन लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? कार्यकर्ता बहुत गुस्से में है, महेश गोयल को बहुत मानते थे ये लोग, उनका अपना आदमी था वो। प्रदीप जी अगर ये हिंसा बढ़ती रही तो उसका असर इन्वेस्टिगेशन पर भी होगा। अब आप ही बताइए कि हम इस वायलेंस को रोकें या इस केस को सॉल्व करें। ठीक, मैं अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हाँ आपको भी एक बात की गारंटी देनी होगी कि आप जल्द से जल्द गुनहगार को पकड़ेंगे और उसे सजा दिलवाएंगे। आखिर मुझे अपने कार्यकर्ताओं को कुछ तो आश्वासन देना होगा। आई अश्योर यू सर, लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी है कि ये आग काबू में आ जाए, तभी तो हम अपना काम सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है एसपी साहब, ठीक। विक्रम को फोन लगाओ, उससे बोलो कि बहुत हो गया अल्लाह मचाना, बस करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बाजी उल्टी पड़ जाए। अभी फोन लगाओ उसको। महेश गोयल अमर रहे, महेश गोयल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महेश गोयल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महेश गोयल अमर रहे। पूजा, मैं पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर लड़के वालों से मिलाता हूं। माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। नहीं साहब, हम लोगों में से किसी ने नहीं किया। तो फिर किसने किया? अभी तक पता नहीं चला साहब, लेकिन हम ढूंढ निकालेंगे, आप टेंशन मत लो। टेंशन मुझे नहीं तुझे हो जाएगा अगर जल्दी पता नहीं लगा। साहब पक्का भाड़े के टट्टू थे, दो थे ना, एक को तो पक्का ढूंढ निकालेंगे। एक मिल गया तो दूसरा अपने आप हाथ लग जाएगा, तू पहले एक को तो ढूंढ। साहब पता तो नहीं है लेकिन हम ढूंढ निकालेंगे। लेकिन कब? सबसे यही डायलॉग सुन रहा हूँ। महेश गोयल पॉलिटिक्स में था, पर उसे इस तरह सड़क पर रोक कर मारना कोई मामूली बात नहीं साहब, वो जो कोई भी होगा डेयरिंग वाला होगा साहब। तो पता लगा ये डेयरिंग वाला डर के हमारे किस बिल में छुपा बैठा है? साहब मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि चंदन गुप्ता ने ही मेरे भाई का खून किया है, लेकिन आप उनसे पूछताछ करने की बजाय हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। हमारे भैया के लिए उनका परिवार, उनकी पार्टी, उनकी दुकान, यही सब उनकी जिंदगी थी। साहब महेश गोयल इस एरिया में काफी फेमस था, मुझे नहीं लगता इस एरिया कोई आदमी महेश के नाम की सुपारी उठाएगा। हो सकता है सुपारी लेने वाला बाहर का हो और जिसने सुपारी दी है वो यहीं का है। मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है साहब, पर कोशिश जारी। तू अपनी बता, तूने आखिरी काम कौन सा उठाया था? 6 महीने पहले ही तो बेल हुआ है, वो दिन है और आज का दिन, तौबा कर लिया उस काम से। अब तो आप लोगों की मेहरबानी सिर्फ दाल रोटी चल रही है साहब। दाल रोटी नहीं बिरयानी भी मिलेगी, पहले कोई काम की खबर लेके आ। चंदन गुप्ता, कस्तूरी गुप्ता और उनके सभी खास कार्यकर्ताओं के फोन रिकॉर्ड्स मैंने स्कैन किए, सबके रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है। राजनीति के दलदल में एकदम क्लीन रिकॉर्ड्स ज्यादा शक पैदा करते हैं। वैसे भी ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर को मारना हो तो बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि सब कुछ एकदम क्लीन दिखाई दे, जरा सा भी दाग ना दिखे। सर लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये पॉलिटिकल मर्डर हो ही नहीं, कोई और वजह भी तो हो सकती है। आखिर महेश भी पॉलिटिक्स में था और जितना सीधा उसकी फैमिली हमें बता रही है हो सकता है उतना सीधा शायद वो ना हो। ऐसा करो महेश के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, हो सकता है कि कंकाल उसी की अलमारी में। महेश के परिवार, पार्टी और पुलिस सबका यही मानना था कि महेश का खून पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से हुआ था,
लेकिन बहुत जद्दोजहद के बावजूद भी पुलिस को इस दिशा में कोई सुराग नहीं मिला था। लेकिन जब महेश के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए तब कई संदेहजनक और चौंका देने वाली बातें सामने आई जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। तीर निशाने पे लगा है। यस सर। महेश गोयल की 16 मार्च तक रोजाना एक नंबर से बात होती थी। 16 मार्च के बाद एक बार भी नहीं हुई और उसके ठीक चार दिन बाद यानी 20 मार्च को महेश पर हमला हुआ। ये 444567898 ये किसका नंबर है? किसी पूजा जायसवाल का है। इस पूजा जायसवाल की हर रोज महेश से बात होती थी, फिर अचानक बातचीत होना बंद हो गई। इस पूजा जायसवाल से अपना बातचीत करना तो बनता है। पुलिस ने क्यों बुलाया तुझे? पता नहीं। और ये महेश गोयल को तू कैसे जानती है? वो तो ये नूपुर जब से स्कूल में थी तब से उसके यूनिफॉर्म के लिए मैं उनके दुकान पर जाती थी, बस इतना ही। मैं नहीं जानती ये पुलिस मुझसे क्या जानना चाहती है। देखिए, जब से मेरी बेटी स्कूल में थी तब से हर साल मैंने उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म महेश जी की दुकान से ही बनवाई है। फिर स्कूल के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, सभी स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म वहीं से बनती है। सभी जन जानते हैं महेश जी को और मैं भी 10 साल से पहचानती हूँ। लगता है आप काफी करीब से जानती थी उन्हें। आपके फोन रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों में रोजाना बात होती थी। अब हर रोज एक नई यूनिफॉर्म तो नहीं बनवाती होंगी ना? ये कैसी जान पहचान थी कि कभी 4 कभी 6 कभी 8 कभी कभी तो 18 कॉल्स होते थे और हर कॉल कम से कम 3 मिनट का। मैंने कहा ना, मेरी सिर्फ जान पहचान थी और कुछ नहीं था। जब कोई इस तरह से नजरें चुरा कर कहता है ना कि कुछ नहीं था, तब जरूर कुछ ना कुछ होता है। मुझे भी दुख है उनके मरने का, लेकिन मुझे नहीं मालूम उन्हें किसने मारा और क्यों। वो बहुत भले इंसान थे। तो उस भले इंसान से आपने अचानक बात करना बंद क्यों कर दिया, और वो भी उनकी मौत के 4 दिन पहले? ना उन्होंने कॉल किया ना आपने, जान सकता हूं क्यों? जब तक आप जवाब नहीं देंगी मेरे सवाल चलते रहेंगे। मेरा उनके साथ रिश्ता था, बहुत ही करीबी रिश्ता। साल की थी तब से मैं हर साल महेश जी की दुकान पर उसके स्कूल ड्रेस के लिए जाया करती थी। उन दिनों मैं अपनी शादी से खुश नहीं थी और मेरे पति दामोदर भी मुझसे नाराज रहते थे। तभी मुझसे महेश जी मिले और आप दोनों का अफेयर शुरू हो। मैं भी अपनी शादी से खुश नहीं। पूजा, हम दोनों का हाल बिल्कुल एक जैसा है, पर हम अपनी अपनी शादी भी नहीं तोड़ सकते क्योंकि इसका असर हमारे परिवार और बच्चों पर पड़ सकता है। मैं समझती हूँ, हम अपने बच्चों को नाराज नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को भी नाराज नहीं करेंगे। अगर किसी को तकलीफ दिए बिना हम थोड़ा सा खुद के लिए जी लेते तो इसमें गलत क्या है? हमारे रिश्ते में कोई बंधन नहीं था, हमें तो बस एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था और हम एक दूसरे से अपने मन की बातें शेयर किया करते थे। फिर ये शेयरिंग अचानक 16 मार्च के बाद बंद कैसे हुई? इसके घर पता चल गया था, आपके या महेश के?
ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर क्यों 16 मार्च के बाद आप लोगों के बीच बात नहीं हुई? क्योंकि 16 मार्च को मैं अपने पति और बेटी के साथ मैं गांव जा रही थी और उसी दिन मैंने उन्हें फ़ोन किया था, हम लोग आज निकल रहे हैं, 4 दिन बाद ही लौटेंगे, भगवान करे नुपुर को ये लड़का पसंद आ जाए और ये रिश्ता तय हो जाए। देखना सब अच्छा होगा। अच्छा ही होगा अगर ये 4 दिन आप मुझे फ़ोन ना करें, मैं बात नहीं कर पाऊंगी। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अरे मैं भी एक बेटी का बाप सब समझता हूँ। हाँ और तुम वापस आने के बाद मुझे खुशखबरी ज़रूर सुनाना नुपुर की शादी की। जी नुपुर की शादी तय होने जा रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे और महेश जी के रिश्ते की जरा सी भी भनक किसी को लगे जिससे नुपुर की शादी पे आ जाए, इसलिए हमने उन दिनों बात नहीं की। लेकिन मुझे पता नहीं था कि उन्हीं दिनों इनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। इनका 10 साल से अफेयर चल रहा था, मुझे पता तक नहीं चला। कमलेश भैया क्या आप जानते थे? नहीं भाभी मुझे कुछ भी नहीं पता है। और भैया के बारे में तो मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता हूँ। पता नहीं क्या क्या छुपाया होगा हमसे और आगे क्या क्या आने वाला है। मैं जानता था वो मेरे साथ खुश नहीं थी, मुझे भी उससे कई शिकायतें थी, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था 10 साल वो किसी और के साथ। इतना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। पापा मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ ऐसा कर सकती है। पूजा और उसके पति दामोदर के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, महेश गोयल की पत्नी शांति गोयल और कमलेश गोयल के रिकॉर्ड्स भी देखे, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। लगता है इन दोनों की फैमिलीज को इन दोनों के अफेयर का पता नहीं। कमाल है, 10 साल से इनका अफेयर था, रोजाना बात होती थी, फिर भी किसी को कुछ नहीं पता था। महेश के पार्टी वर्कर्स तक को नहीं पता। पार्टी की पब्लिसिटी करता था और अपने कारनामों को पार्टी और परिवार सबसे छुपा के रखा। मुझे ऐसे लगता है कि इस महेश के पीछे एक और महेश छुपा था जिसे कोई नहीं जानता। पता नहीं इस नकाब के पीछे छुपे महेश ने और क्या क्या कारनामे किए होंगे। महेश गोयल का एक नया चेहरा उभर कर सामने आया था जिससे उसके अपने भी वाकिफ नहीं थे। महेश ने बड़ी चालाकी से अपने उस चेहरे को नकाब के पीछे छुपा कर रखा था, लेकिन क्या कोई ऐसा था जो उसकी इस दूसरी शख्सियत को जानता था? साहब इस एंगल को तो कुरेदा ही नहीं था, जब कुरेदना शुरू किया तो पूरा कुआं निकला। सीधा सीधा बोल। सीधी बात तो यह है साहब कि जो महेश था लेडीज के मामले में एकदम टेढ़ा था, एक नंबर का औरत बाज। फिर किसी को खबर कैसे नहीं हुई इस बारे में? बहुत चालू आदमी था साहब, उसका काम था स्टूडेंट लोगों का कपड़ा बनाने का। अब ज़्यादातर स्टूडेंट के कपड़े बनवाने और सिलवाने कौन आता है? उनकी माँ। ये साला महेश उन लेडीज लोगों पर लाइन मारता था। तो उसकी दुकान में काम करने वाले तो जानते होंगे ना इस बारे में? साहब आपने बोला तो हमने खबर निकलवाई, वरना कोई दुकान में काम करने वाला इस मैटर पर क्यों बोलेगा भला। और ऊपर से जो लेडीज लोग थी वो सब शादीशुदा थी, अगर कंप्लेंट करती तो उनकी भी बदनामी होती, इसलिए वो भी चुप रहती थी। और साहब ये पूजा जायसवाल अकेली नहीं थी, और भी बहुत रही होंगी, लेकिन कोई सामने क्यों आएगा भला? महेश की मौत की वजह कहीं यही तो नहीं? पूरा चांस है साहब। कैसे इंसान थे वो? मुझे लगता 20 साल की शादी में मैं उन्हें जरा भी पहचान नहीं पाई। मां ऐसा भी तो हो सकता है कि पापा को कोई बदनाम कर रहा हो। अर्चना सही कह रही है भाई, इसमें जरूर चंदन गुप्ता की साजिश है। अरे भैया ऐसे हो ही नहीं सकते। अरे विक्रम जी, पुलिस मुझसे पूछकर थोड़ी ना महेश का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा रही, वो तो जो जैसा था सामने आ गया। वैसे भी वो आप ही के पार्टी का सदस्य था, आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप ये अनछन कहानियां क्यों बना रहे हैं।
ताकि महेश के नाम पे आप मुझ पे और मेरी पार्टी पे कीचड़ उछाल सकें। ऐसा मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है हमें खुशी हो रही है उसमें। पर एक बात, पूजा जायसवाल को हमने खड़ा नहीं किया, पुलिस खुद पहुंची थी वहां तक। और ये छोटी छोटी बात पर हमें दोष देना बंद कीजिए। राम राम। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। किस मुंह से माफी मांग रही हो? अगर ये सब नहीं हुआ होता तो मैं तो पूरी जिंदगी अंधेरे में ही रहता। तुम्हारी ये करतूत कभी सामने नहीं आती। मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। माँ, मुझे आपको देख के शर्म महसूस होती है। सर, ये तो तय है कि महेश का पूजा के अलावा बहुत सारी औरतों से चक्कर था, लेकिन ये पता लगा पाना मुश्किल है कि किस किस से उसका अफेयर था और किसने उसके मर्डर की साजिश की। पता चल जाएगा चौधरी, जब महेश का इतना गहरा राज छुपा नहीं रह सका तो ये साजिश कैसे छुपी रह सकती है। दिमाग बेच खाए हो क्या? समझा उसको, दुम पकड़ के बैठा रहे एक जगह। तू भी दोबारा फोन मत करना, माहौल ठीक नहीं है, समझा? सर, राघव आया, कहता है कोई बड़ी खबर है। बुलाओ सर। साहब, आप वो मोहन शुक्ला को जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ, तेरी बिरादरी वाला ही है ना, हिस्ट्री शीटर। क्या वो उसको? साहब उसका इशू चल रहा है इन दिनों। किसके साथ? सचिन जेटली के साथ। ये सचिन जेटली कौन है? साहब हमारी बिरादरी का ही है, हिस्ट्री शीटर। कहाँ रहता है? यहाँ का नहीं है साहब, बाहर वाला है। मोहन, ये गलत है, काम तो किया ना मैंने। तू भी जानता है तूने क्या किया, एक तो सारा काम उल्टा कर दिया, मालूम है तेरी वजह से कितना बड़ा झमेला हुआ है। हमने बात किया है सेठ से, कहा कुछ टाइम रुकने का। अरे लेकिन बस साहब, वो चाय वाला है ना, वो मेरा दोस्त है, उसके कानों में जो पड़ा उसने मुझे बताया। मोहन और सचिन के बीच पैसे की बात पे कुछ पंगा चल रहा था, पक्का सुपारी के पैसे होंगे। और साहब पिछले एक हफ्ते में हमारे यहाँ एक ही कांड हुआ है। सब बोल देते, साहब खुद ही आ जाते, पैसे घसीट के क्यों लेके जा रहे हो साहब? बेइज्जती होती है मोहल्ले में। बुलाया तब जाता है जब खबर चाहिए होती, जब खबरें खोदनी पड़ती तो घसीटना पड़ता। चलो साहब, मेरी बात सुनो साहब। बोला था सच बोलेगा तो बिरयानी खिलाऊंगा, अब तेरी बिरयानी बनेगी। सच उगल दे। नहीं साहब, बोलता हूँ, सब थोड़ा पंगा हो गया सर। कैसा पंगा? हमें भेजा गया था लेकिन सिर्फ सबक सिखाने के लिए। किसे? महेश गोयल को? जी साहब। गधे सचिन की वजह से सब हुआ सर। मैंने कहा था एक आधवार करना है, लेकिन वो मारता ही गया। अबे तेरा दिमाग फिर गया था क्या? कितनी बार घुसेड़ा तू? अबे पता नहीं चला यार, अब क्या गिन के घुसेड़ता? अबे पागल, एक ही बार बहुत था। देखना तू, बहुत बड़ा पंगा होगा तेरी वजह से।
तो प्लान मारने का था, जान से मारने का नहीं। जी सर। किसका प्लान था? कौन मास्टर महेश को सबक सिखाना चाहता था? सेठ जी, वो पैसे लेने कब आऊं? साले किस बात के पैसे? जो बोला था वो तो किया नहीं। किसने बोला था मारने को? सॉरी सेठ जी, वो गलती हो गई। वो मेरे साथ जो बंदा था ना, उसने ज्यादा ही हाथ घुमा दिया। कौन बोला था ऐसे पागल को साथ में ले जाने को? पता है वो महेश सीरियस है, शायद मरवर भी सकता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी सेठ जी। ऐसी की तैसी तेरी गलती की। कुछ दिन चुपचाप बैठ और दोबारा फोन मत करना मुझे, वरना तेरी ये गलती हमारे गले का फंदा बन जाएगी। मेरा कब सब, मैं तो दोनों तरफ से फंस गया ना सब। एक तो सचिन सुपारी के पैसे के लिए मेरा दिमाग खा रहा था, और इधर नरेश सेठ भी मेरा पैसा नहीं दे रहा था। ये नरेश कौन है, क्या काम करता है? सब नरेश सेठ का कैटरिंग का बिजनेस है। सचिन कहाँ मिलेगा? एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ रही थी और ये केस सॉल्व होने की कगार पर था। हमलावरों का मकसद महेश गोयल की जान लेना नहीं था, वो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहते थे। इस हमले का मास्टरमाइंड था उसी इलाके में केटरिंग का बिजनेस चलाने वाला नरेश शर्मा। लेकिन नरेश शर्मा की क्या दुश्मनी थी महेश से, और वो उसे किस बात के लिए सबक सिखाना चाहता था? मारना वरना मत सर, मैं सच सच बताता हूँ सर। तेरे लिए वही सही है, बोलना शुरू कर। साहब मैंने तो सिर्फ पिटने को बोला था, वो भी थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने चाकू मार दिया, और वो भी कितने बार मुझे नहीं पता। आगे बोल, क्या सबक सिखाना चाहता था तू महेश को? साहब मेरा महेश के साथ कोई लेना देना नहीं। तो किसका लेना देना था? ये सब मैंने चंदन भाई साहब के कहने पे किया। आप गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के किसी अंदर के आदमी का काम है। चंदन गुप्ता भी इन्वॉल्व था इस क्राइम में। उनका मुझ पर बहुत एहसान है साहब, मेरा धंधा उन्होंने सेटल करने में मेरी मदद की थी। उन्होंने बोला कि महेश को सबक सिखाना जरूरी है, इसलिए मैंने मोहन को बोला, लेकिन मोहन अपने किसी सर फिरे दोस्त को अपने साथ ले गया और उसने ये कांड कर दिया। अब शायद हम सही दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं मिस्टर चंदन गुप्ता। बात क्या है? आपको इनवाइट करने आए, दावत रखी है पुलिस स्टेशन पे। केटरर भी आपकी पसंद का है नरेश शर्मा, और आपके दोनों भाड़े के टट्टू मोहन और सचिन भी आ चुके हैं, सब आपकी राह देख रहे हैं। चलिए। महेश गोयल के मर्डर के पीछे आपका हाथ है? जल्दी बोलना शुरू करो चंदन गुप्ता, वैसे कल तक बात पूरे इलाके में फैल जाएगी। आपकी पत्नी की उम्मीदवारी भी कैंसिल हो सकती है, ना भी हुई तो हारना तो तय है। आपका पैंतरा उल्टा पड़ गया। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था सर। वही तो मैं कह रहा हूं, जो भी आपने बोलना है अभी बोल दो, उसमें कितना सच है कितना झूठ है वो हम पता लगा लेंगे, और जरूरत पड़ी तो आपसे उगलवा लेंगे। आप तो बोलना शुरू करो बस। ये महेश गोयल की नजर बिल्कुल अच्छी नहीं थी, हर औरत पर गंदी नजर डालता था, गंदे गंदे इशारे करता था। काफी औरतों ने शिकायत की थी मुझसे। पानी सर से ऊंचा तब हो गया जब कुछ हफ्ते पहले एक औरत फिर से उसकी शिकायत लेकर हमारे पास आई। कब से चल रहा है ये सर? जी पिछले 3 सालों से वो हमेशा मुझे गंदी नजरों से देखता रहता, खंती गंदी बातें करता है, और अब तो मैसेज भेजने लगा है। हाँ जी, कैसे हो? आजकल मेरे मैसेज के जवाब ही नहीं दे रहे। इरादा क्या है? तो तुम्हारी इस खामोशी को मैं हाँ समझूं? जवाब नहीं दिया इसका मतलब समझ जाना चाहिए था आपको कि मुझे जवाब नहीं देना है।
बंद कर दीजिए ये सब कुछ, नहीं तो नहीं तो क्या नहीं था? आपको दिखाना था इसीलिए मैसेज डिलीट नहीं किया। वो हर रोज इसी तरह के मैसेज भेजता रहता है और हर रोज मैं उसे डिलीट करती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पति ने वो पढ़ लिए तो क्या समझ बैठेंगे वो। एक बार ऐसे भी लगा कि नया नंबर ले लूँ, लेकिन पति तो तब भी सवाल पूछेंगे ना। महेश गोयल एक नंबर का बेशर्म इंसान है, वो जानता है मेरी मजबूरी को और उसी का फायदा उठा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप ही मेरी मदद कीजिए। वो जानता है मेरी मजबूरी को और उसी का फायदा उठा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप ही मेरी मदद कीजिए। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। इलाके की कई औरतें परेशान थी उससे, मुझे आकर कंप्लेन करती थी और मुझे बहुत गुस्सा आता था कि औरतें बेबस थीं, चुपचाप सह रही थीं। तो महेश शराफत का मुखौटा पहने शान से घूमता था, चुप चुप मैसेज लिखता था, जो भेजता था मैं तो आपके सामने बोल भी नहीं सकता। ये कोई कारण नहीं हुआ किसी की जान लेने का। आप एक पार्टी के लीडर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी मार डालें। मैं तो सिर्फ उसे पिटवाना चाहता था ताकि उसे सबक मिले और औरतों को परेशान करना बंद करे। अगर आप ऐसा चाहते थे तो पुलिस में कंप्लेन कर सकते थे। अगर मैं ऐसा करता तो मुझ पर राजनीति करने का आरोप लगता। आप उन औरतों को भी कंप्लेन करने के लिए बोल सकते थे। वो शादीशुदा औरतें, और महेश जानता था कि जो अपने पति से ये सब बातें नहीं कह सकती वो पुलिस में कंप्लेन क्या करवाएंगी। तो आपने खुद ही ये समाज सेवा करने का फैसला कर लिया और अपने उस वफादार नरेश को ये काम सौंपा। और नरेश ने मोहन शुक्ला को बुलवाया। ये 10,000 एडवांस, बाकी सबक सिखाने के बाद। सेठ जी, इस काम को पूरा करने के लिए एक आदमी और लगेगा। 10 बुला, पैसे उतने ही मिलेंगे जितने तय हुए। ठीक है। और मोहन ने बाहर से एक दूसरे हिस्ट्री शीटर को बुलाया, सचिन जेटली। दाम कम है क्योंकि जान से नहीं मारना, सिर्फ पीटना है। बॉल करेगा या नहीं? ठीक है चल। वैसे भी आजकल बहुत मंदी चल रही है यार, बता देना कब करना है। ठीक है, बोलता हूँ। और एक भाड़े के टट्टू ने हाथ ज्यादा घुमा दिया। अगर आप चाहते तो महेश के खिलाफ पुलिस केस बनता, उसे जेल भी हो सकती थी अगर आप कोशिश करते, लेकिन आप तो खुद ही फैसला करने निकले। अब आप महेश के मर्डर के जुर्म में जेल जाएंगे और साथ में जाएगा आपका वफादार नरेश। इन हिस्ट्री शीटर्स का तो अंदर बाहर चलता रहता है। ज्योति से बात हुई, उसने माना कि महेश की हरकतों से परेशान होकर वो चंदन गुप्ता के पास मदद मांगने के लिए गई थी। कमाल है, एक पार्टी का वर्कर मारा गया जिसे राइवल पार्टी के लीडर ने मरवाया, पर वजह पॉलिटिकल नहीं थी। इरादा चाहे सबक सिखाने को हो या पीटने का, वो भी जुर्म ही है। और आखिरकार यहां तो मर्डर हुआ है जो कि उससे भी संगीन जुर्म है। प्रदीप जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि महेश इतनी गिरी हुई हरकतें कर सकता है।
और हैरान इस बात पे हूं कि कभी किसी ने मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। इस केस में जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। चंदन की पत्नी यकीन ही नहीं कर पाई कि उसके पति ने उसे अंधेरे में रखकर ऐसी साजिश रची जिसकी वजह से महेश की जान गई। पूजा, जिसके साथ महेश का अफेयर था, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका और महेश का रिश्ता इतने सालों बाद इस तरह सबके सामने आएगा और उसके बसे बसाए घर को तोड़ देगा। महेश की मौत के बाद उसके कैरेक्टर को लेकर जो बातें बाहर आईं, उन्हें एक्सेप्ट कर पाना महेश के परिवार के लिए बहुत मुश्किल था और आज भी है। चंदन गुप्ता, नरेश शर्मा, मोहन शुक्ला और सचिन जेटली, इन चारों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए और धारा 120 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए बुक किया गया है। इंटेरोगेशन के बाद चारों आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, लेकिन ट्रायल शुरू होना अभी बाकी है। एक संगीन जुर्म, एक हत्या, किसी को सबक सिखाने के बेतुके जुनून का नतीजा था ये। इस केस के अंत में इस केस से जुड़े सभी लोगों को उनके साथ उनके अपनों द्वारा किए गए विश्वासघात के बारे में पता चला, जिससे उनके यकीन को गहरा धक्का लगा। क्या महेश को सबक सिखाने का यही एक तरीका था? क्या महेश गोयल की पुलिस में कंप्लेंट करके या उसकी पार्टी के किसी वरिष्ठ सदस्य से बात करके इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकाला जा सकता था? अगर किसी ने बात करने की कोशिश की होती तो यकीनन इसका हल जरूर निकल सकता था। किसी भी तरह के हैरेसमेंट, उत्पीड़न से निपटने का यही एक प्रैक्टिकल तरीका है कि उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई जाए और डट कर उसका मुकाबला किया जाए। कानून को अपने हाथ में लेने से बेहतर है कि कानून के दायरे में रहकर ही समस्या का समाधान ढूंढा जाए। इसमें कोई दोराय नहीं कि महिलाओं को इस तरह के हैरेसमेंट का कदम कदम पर सामना करना पड़ता है और ये कभी भी आसान नहीं होता। अक्सर जब महिलाएं इसके खिलाफ आवाज उठाती हैं तो उन्हें बहुत से मोर्चों पर जूझना पड़ता है। कभी समाज में बदनामी का डर रहता है तो कभी कभार उनके अपने घर वाले भी उन्हें समझ नहीं पाते। अफसोस की बात यह है कि पीड़ा देने वाले से ज्यादा मुसीबतों का सामना पीड़ित को करना पड़ता है। लेकिन इन सभी रुकावटों के बावजूद सच नहीं बदलता, और सच्चाई ये है कि हालात कितने भी निराशाजनक क्यों ना हो जाएं, लेकिन इस समस्या का समाधान कानून के दायरे में रहकर और अपनी आवाज बुलंद करके ही मिल सकता है, ना कि चुप रहकर और जुर्म का रास्ता इख्तियार करके। जरूरत है अपने आप पर विश्वास करने की और अपने आप को तैयार करने की। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।